बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। दुनिया में हॉरर कॉमेडीज काफ़ी लंबे समय से बनती आ रही है, लेकिन बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने इस जॉनर में हाथ आजमाना हाल ही में शुरू किया। साउथ में हॉरर कॉमेडीज देखने वाली अच्छी खासी ऑडियंस है, लेकिन बॉलीवुड में अभी इस जॉनर की ऑडियंस तैयार हो रही है। स्त्री और गोलमाल सीरीज़ की आखिरी फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया, जिसके बाद निर्माताओं ने इस जॉनर की कहानियां तलाशनी शुरू कर दी। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम की भूत पुलिस इसी जॉनर को आगे बढ़ाने आई है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई भूत पुलिस कैसी है और क्या है इसके लिए वक्त देना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। फिल्म भूत पुलिस की कहानी विभूति सैफ अली खान और चिरंजीवी अर्जुन कपूर नाम के दो तांत्रिकों की है, जो लोगों के डर से रुपए कमाते हैं। ये दोनों तंत्र विद्या का ज्ञान रखने वाले एक बड़े तांत्रिक के बेटे हैं, जिनका लोग काफ़ी सम्मान करते हैं। लोगों को लगता है कि ये दोनों अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। लोगों की मदद करते करते ये धर्मशाला पहुंच जाते हैं, जहां चाय का एक बड़ा बागान है। इस चाय के बागान की मालिक की दो बहनें कनिका जैकलिन फर्नांडिस और माया यामी गौतम हैं। यहीं पर विभूति और चिरंजीवी का सामना होता है असली भूत से। क्या विभूति और चिरंजीवी इस भूत से जीत पाएंगे और अगर जीतेंगे तो कैसे, ये फिल्म भूत पुलिस में दिखाया गया है। फिल्म भूत पुलिस की खासियत इसके वन लाइनर्स, अर्जुन कपूर और सैफ अली खान के बीच की केमिस्ट्री जरूर पसंद आएगी। भाइयों के किरदार में इन दोनों कलाकारों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया, ये एक दूसरे की कमियों को पूरा करते नजर आए। फिल्म भूत पुलिस का दूसरा भाग जबरदस्त है। मेकर्स ने काफी चालाकी से दर्शकों के दिमाग पर इम्पैक्ट छोड़ने के लिए भूत पुलिस का दूसरा भाग दमदार बनाया है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जैमी लीवर ने अच्छा काम किया। फिल्म में काफ़ी सारा VFX देखने को मिलता है, जो अच्छा है। सचिन जिगर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल है। फिल्म भूत पुलिस की शुरुआत थोड़ी स्लो है। मेकर्स ने किरदारों को सेट करने में और कहानी को रफ्तार देने में थोड़ा वक्त लगा दिया है। जब फिल्म अपनी रफ्तार पर पहुंचती है तो अच्छे जोक्स की कमी महसूस होने लगती है। सैफ अली खान और यामी गौतम ने अच्छी अदाकारी से भूत पुलिस को सेव करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कभी नाकामयाब हो जाते हैं। जैकलिन फर्नांडिस का किरदार ठीक से लिखा ही नहीं गया है। डायरेक्टर्स उन्हें सिर्फ अदाएं दिखाने के लिए क्यों साइन करते हैं, ये सवाल बॉलीवुड को खुद से पूछना चाहिए। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस स्टारर भूत पुलिस थोड़ी डरावनी और थोड़ी मजाकिया है। वीकेंड पर अगर आप फ्री हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज, क्या कहना है आपको भूत पुलिस के लिए, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।